पुराने। आपका आपने क्या पहन रखा है? कोई साड़ी पहन रखा है कि लहंगा पहन रखा है? कुर्ता सूट। ओके, ठीक है। बच्चे का क्या नाम है, कुछ पता है आपको? गोपी। गोपी नाम है बच्चे का। ठीक है, एक ही बच्चा है कि दो बच्चा है? कोई लड़की भी है? एक। एक है। कोई नहीं, उसके साथ प्यार कीजिए, उसको खेलिए, उसके साथ थोड़ा सा बातें कीजिए, पूरा प्यार दिखाइए, महसूस कीजिए कि आप वहाँ मौजूद हैं और बच्चों को प्यार कर रही हैं। आपको एक नई यात्रा में चलनी है। आप एक गांव के माहौल में आने वाले हैं फिर से। 3 2 1, गांव में प्रवेश कर जाइए। पैदल चलिए और सामने देखिए। सामने एक मंदिर दिख रही है, पुरानी मंदिर, बहुत पुरानी मंदिर, पत्थरों से बनी हुई। मंदिर में प्रवेश कर जाइए और आगे बढ़िए। प्रेस कर जाइए। जहाँ मेन मंदिर है, भगवान जी की मूर्ति रखी है, उसके बगल में देखिए एक डोर है, सेम डोर पुराने समय का, रोशनी निकल रही है, और उसमें प्रवेश कर जाइए। खोलिए और प्रवेश कर जाइए, एक नए रूप में आप हैं। आप देखिए और आगे बढ़िए। क्या आसपास आपके परिवार के और लोग दिख रहे हैं? कोई नहीं, तो आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ते जाइए और एक छोटा सा घर दिख रहा है, पुराने समय का, उसके अंदर प्रवेश कर जाइए। सामने ही घर है और सेम दरवाजे हैं। दरवाजे ओपन करिए और अंदर प्रवेश कर जाइए। देखिए, आप एक खास परिवार में हैं, महसूस कीजिए। आपके कपड़े भी चेंज हो चुके हैं। उस परिवार को नोट कीजिए, देखिए कौन है वो लोग। क्या आपके मम्मी पापा हैं वहाँ पर? कोई परिचित का है? खाली। आगे बढ़िए, फिर बाहर आइए, उस रूम से बाहर आइए और गेट से बाहर आ जाइए। और फिर से एक यात्रा शुरू करिए। आगे बढ़िए, चलते जाइए।
अपने पैरों पर ध्यान लगाइए और सामने देखिए, सामने एक किले टाइप का एक बिल्डिंग दिख रही है, उसमें प्रवेश कर जाइए। सोचते हुए नीचे जाइए, मैंने किसी को मानसिक रूप से बहुत दुख दिया है। वो कौन है जिसको दिया आपने? कोई व्यक्ति है, कोई लेडीज है? सामने दिख रहे हैं वो? कोई बूढ़ा व्यक्ति? कोई बूढ़ा व्यक्ति को आपने दुख दिया है, वो व्यक्ति कौन है? आपके पिता हैं, ससुर हैं, या तो कोई अदर व्यक्ति है वो? कोई औरत? दो लोग हैं, बूढ़ा व्यक्ति और औरत, दो लोग हैं। कोई बूढ़ी औरत है। उसको आपने दुख दिया है? वो कौन है? आपकी माँ है, सास है, या कोई अदर है? महसूस करिए। आपकी दादी सास है वो, जिनको आपने दुख दिया है। तो क्या वो कुछ बोल रही हैं क्या उस समय, या चिल्ला रही हैं, या आपसे बात करना चाह रहे हैं? सो रही है। उनके पैरों के पास बैठ जाइए आप। कोई बात नहीं, बैठ जाइए, पैर पकड़िए और माफ़ी मांगिए, पूरे दिल से माफ़ी मांगिए, पूरी तरह करुणा और रोकर भी कि मुझसे गलती होगी, माफ़ करिए। माफ़ी मांग पाएंगी? मांगिए। पूरी तरीके से रोकर, करुणा के भाव से, पूरे प्यार के द्वारा आप उनसे माफ़ी मांगिए।